हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी का यूपी बोर्ड के द्वारा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 22 फरवरी से प्रारंभ होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे क्लास 10 में पढ़ रहे हों, चाहे क्लास 12 के स्टूडेंट हों, सभी का पेपर आपका 22 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्लास 10 में है, क्लास 12 में, सबका एक टाइम टेबल यूपी बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। इस टाइम टेबल को आप एक जगह प्रॉपर ढंग से लिख लीजिए। चलिए आपको बताते हैं कि आपका पेपर जो 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, 22 फरवरी का कौन सा पेपर होगा। तो फ्रेंड देखिए, आपका जो पेपर होने वाला है दो पालियों में होगा। कितने पालियों में होगा? दो पालियों में। इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए आपका जो 22 फरवरी का पेपर है, वो दिन पड़ा है आपका बृहस्पतिवार। आपका जो सुबह का समय रहेगा 8:30 बजे से पेपर स्टार्ट होगा और 11:45 तक चलेगा। देखिए यहाँ पे हाई स्कूल के जो छात्र हैं, उनका पहला पेपर सुबह में होगा, वो होगा आपका हिंदी। ठीक है, इसके बाद है इंटरमीडिएट का, सुबह में चलेगा सैन्य विज्ञान। और उसी दिन आपका शाम को 2 बजे से प्रारंभ होगा और 5:15 तक आपका पेपर चलेगा, जिसमें हाई स्कूल के जो छात्र हैं, जो वाणिज्यिक पढ़ते हैं, उनका पेपर होगा और इंटरमीडिएट के जो छात्र होंगे सामान्य हिंदी रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि इंटरमीडिएट का पेपर कब है और हाई स्कूल के जितने भी स्टूडेंट उनका पेपर कब है। इसके बाद देखिए 23 फरवरी, जो आपका दिन पड़ेगा शुक्रवार, शुक्रवार के दिन पेपर का समय वही रहेगा 8:30 से प्रारंभ होगा और 11:45 तक आपका पेपर चलेगा। ठीक है, ये सुबह का समय है, समय नहीं चेंज होगा, समय वही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हाई स्कूल के जो छात्र हैं, आपका जो पाली या अरबी भाषा पढ़ते हैं, उनका पेपर 23 फरवरी को होगा और इंटरमीडिएट में जो नागरिक शास्त्र पढ़ते होंगे उनका पेपर 23 फरवरी को है। इसके अलावा देखिए जो शाम के समय जो 2 बजे से प्रारंभ होगा और 5:15 तक पेपर चलेगा, हाई स्कूल के जो छात्र हैं, यदि जो संगीत गायन पढ़ते होंगे, उनके लिए पेपर आपका 23 फरवरी को है। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं जो समान आधिकारिक विषय, जैसे व्यवसायिक वर्ग के लिए, जैसे कृषि जो पढ़ते हैं, सस्य विज्ञान है, प्रथम प्रश्न पत्र, कृषि भाग 1 और कृषि भाग 2, उनका पेपर कितने बजे होगा? 2 बजे से। ठीक है, अब इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पे, अब 27 फरवरी, सीधे आपका 27 फरवरी को जो पेपर होगा, जो आपका दिन पड़ेगा मंगलवार, 8:30 से प्रारंभ होगा, 11:45 तक चलेगा। हाई स्कूल के जितने भी छात्र हैं, उनका उस दिन सुबह में पेपर रहेगा गणित का। ध्यान दीजिएगा किस तारीख को है गणित का पेपर, तो 27 फरवरी को है। इसके अलावा जो स्टूडेंट 12 में पढ़ रहे हैं, उनका सुबह का पेपर, जो आप यहाँ पे विषय, सभी विषय को ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें से जो विषय होगा आपका 27 फरवरी को होगा। ठीक है, अब देखिए उसी दिन इंटरमीडिएट में जो छात्र पढ़ रहे हैं, जिनका पेपर होगा 2 बजे और 5:15 तक चलेगा, जिसमें यदि इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं, जो गृह विज्ञान पढ़ते हैं, उनका जो पेपर होगा, जो इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, शाम को होगा, और हाई स्कूल के जो छात्र होंगे, ऑटोमोबाइल जिनका होगा, ये पेपर है। अब इसके अलावा देखिए आपका 28 फरवरी से प्रारंभ होगा, जो बुधवार का दिन पड़ेगा 28 फरवरी को, जो आपके क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, उनका संस्कृत का पेपर जो होने वाला 28 फरवरी को होने वाला है, और इंटरमीडिएट में जो अर्थशास्त्र लिए होंगे, उनका पेपर आपका 27, इंटरमीडिएट का उनका पेपर 28 को है, जो अर्थशास्त्र पढ़ते होंगे। इसके अलावा जो हाई स्कूल में संगीत वादन है, उनका पेपर 2 बजे से होगा, और जो इंटर में है, जो चित्रकला पढ़ते हैं, ठीक है, चित्रकला रंजन कला पढ़ते हैं, उनका जो पेपर है 28 फरवरी को है। जो इंटरमीडिएट में कला पढ़ते हैं ना, उनका पेपर कब है? 28 तारीख को शाम को है। अब यहाँ पे देखिए 29 फरवरी, ठीक है, जो आपका बृहस्पतिवार के दिन पड़ेगा, इसमें आप सभी के जो हाई स्कूल में जो छात्र हैं, उनका विज्ञान के पेपर कब है? 29 फरवरी को है। और इसके अलावा इंटरमीडिएट में जो पाली, अरबी, फारसी भाषाएं पढ़ते हैं, उनका जो पेपर है आपका सुबह में कितने बजे है? 8:30 बजे। इसके अलावा देखिए जो इंटरमीडिएट में होंगे, जो आपका हाई स्कूल में जो छात्र पढ़ते हैं, उनका कृषि का जो पेपर है कब है? शाम को है उस दिन, और 29 फरवरी को। इसके अलावा जो जीव विज्ञान या गणित पढ़ते हैं, जो इंटर में हैं, जो इंटर के छात्र हैं, जीव विज्ञान और गणित का पेपर आपका होगा
29 फरवरी को होगा, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे देखिए, शुक्रवार 1 मार्च को जो मानव विज्ञान पढ़ते हैं, हाई स्कूल के जितने भी छात्र हैं जो मानव विज्ञान पढ़ते हैं, उनका पेपर 1 मार्च को है। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, असमी, उड़िया, ये सब भाषाएं पढ़ते हैं, उनका पेपर कब है, तो वो पेपर आपका है 1 मार्च को सुबह में। इसके अलावा आप देख लीजिए, जो हाई स्कूल में NCC लिए होंगे उनका पेपर कब है, उसी दिन 1 मार्च को शाम को है। और जो इंटरमीडिएट के छात्र जो मानव विज्ञान पढ़ते हैं, उनका पेपर आपका शाम को 2 बजे है। अब देखिए यहाँ पे 2 मार्च को पेपर, 2 मार्च का जो पेपर है, हाई स्कूल में जो हेल्थ केयर है लिए हैं, और इंटरमीडिएट में जो संगीत गायन है, संगीत वादन नृत्य कला है, उनका पेपर कब है आपका, 2 मार्च को है। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट में अंग्रेजी पढ़ते हैं, उनका पेपर उसी दिन यानी 2 मार्च को कब है, अंग्रेजी का पेपर शाम को है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका 4 मार्च को देखते हैं, हाई स्कूल के जितने भी छात्र हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, उनका पेपर कब है, 4 मार्च को है। इसके अलावा इंटरमीडिएट के जितने भी छात्र हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, शास्त्र विज्ञान हो गया, या कृषि वनस्पति हो गया, ये जो विषय लिए होंगे उनका भी कब है, तो इनका जो है आपका उसी दिन 4 मार्च को सुबह में है। इसके अलावा देखिए आपके जो इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं जो भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, तर्क शास्त्र पढ़ते हैं, तो उनका पेपर 4 मार्च को शाम को है। अब इसके अलावा देखिए 5 मार्च को जो गृह विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है, गृह विज्ञान जो पढ़ते हैं, उनका सुबह में पेपर कितने बजे है, 5 मार्च को है। इसके अलावा जो ये सभी इंटरमीडिएट के छात्र होंगे, इसमें से विषय देख लीजिएगा, उनका सुबह में पेपर है। इसके अलावा देखिए जो भूगोल, जिनका भूगोल है, कृषि भौतिकी, जलवायु, इन सभी विषय जो लिए होंगे, तो उनका कब है पेपर, तो आपका 2 बजे से। और जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं कंप्यूटर का जिनका पेपर है, उनका भी 2 बजे शाम को है। अब यहाँ पे देखिए जो छात्र चित्रकला पढ़ते हैं, जो हाई स्कूल में 10 में है, जो छात्र चित्रकला पढ़ते हैं, उनका पेपर जो है कितने बजे है, 8:30 बजे सुबह में है, और कब मार्च को, 6 मार्च को है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो इंटरमीडिएट में इतिहास, कृषि, अभियांत्रिक पढ़ते हैं, इनका जो विषय है आपको कितने बजे है, तो उसी 6 तारीख को शाम को है, 2 बजे से। इसके अलावा देखिए हाई स्कूल के जितने भी छात्र हैं जिनका सामाजिक विज्ञान है, उनका जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का 7 मार्च को है, तो कब, सुबह में है, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी विषयों को देख लीजिए, जो कौन सा विषय आप लिए हैं उन विषयों को एक जगह लिख लीजिए। आपका 22 फरवरी से पेपर स्टार्ट होगा और 7 मार्च तक पेपर चलेगा, ठीक है। तो इनके बीच में आप अपना तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। आप सभी को गणित के और विज्ञान के जितने भी प्रीवियस ईयर 2023 में पेपर हुआ है उसका एक सीरीज चला रहे हैं, तो आप उस सीरीज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर साथ में हल करते रहें, ठीक है। आपके प्रीवियस ईयर पेपर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आप उन सभी पेपरों को जरूर हल करके बोर्ड के एग्जाम में जाइएगा।